मैं लीनू, आप लोगों को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस आज जो है बात करेंगे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जब आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवाते हैं अफ्रॉल 15 डेज या 13 डेज 14 डेज, हर सेंटर पे तो सेम नहीं होता है, सेंटर के हिसाब से जब भी आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवाते हैं तो आपका बीटा एचसीजी लेवल अगर लो रहता है तो मतलब क्या स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आपका बीटा एचसीजी लो है, बीटा एचसीजी हाई होने से क्या होता है, लो होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं एक बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप कितना भी क्यों ना ये करवा लीजिए, होम प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, लेकिन जो है बीटा एचसीजी टेस्ट बहुत मायने रखता है। आपका बॉडी में बीटा एचसीजी लेवल कितना है तो वो डिटेक्ट करता है, बीटा एचसीजी में पता चलता है बीटा एचसीजी लेवल आपका कितना आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। तो लो आने से क्या होता है बात कर लेते हैं। देखिए ज़रूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बीटा एचसीजी लेवल लो है तो प्रेगनेंसी आगे चल के दिक्कत हो सकती है, मिसकैरेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, 100% ये कंफर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चांसेस रहता है। अगर आपका बीटा एचसीजी लेवल लो है देन आपको अगेन रिपीट बीटा एचसीजी टेस्ट करवाना चाहिए एक दिन के बाद। अगर वो डबल हो जाता है देन प्रेगनेंसी हेल्दी है, अगर वो डबल नहीं होता है, उतना ही रहता है या फिर कम होता है या फिर गिर जाता है, देन प्रेगनेंसी आपका कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में गड़बड़ है जिसके वजह से आपका बीटा एचसीजी जो है बढ़ नहीं रहा है। कई बार होता है आप एक दिन के बाद टेस्ट करते हो डबल हो जाता है, फिर आगे चल के वो प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं करती है, मिसकैरेज हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाती है। अगर आपका बीटा एचसीजी लेवल 100 से ज़्यादा रहता है देन डॉक्टर प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं, तो फिर आपको रिपीट एक दिन के बाद टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, उस हिसाब से आपका प्रेगनेंसी क्या है पता चलता है। अगर आपका बीटा एचसीजी लेवल 2 आता है, 100 से नीचे आता है, देन आपका बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है, वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है। अगर आपका 100 से ज़्यादा आता है, एक दिन के बाद रिपीट टेस्ट करते हो, वो फिर डबल हो जाता है, देन आपका प्रेगनेंसी आगे जाने का मतलब संभव है, जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको आपको मेडिसिन इंजेक्शन का सपोर्ट बहुत सारा दिया जाता है, फिर आपको 15 डेज के बाद जो है स्कैन के लिए बुलाया जाता है, वो स्कैन कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस स्कैन में फर्स्ट बेबी का प्लेस पता चलता है, कहाँ पे प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई है, कहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हुई है ये पता चलता है, और बेबी का हार्ट बीट आया है कि नहीं वो भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट स्कैन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको, अगर आपका बीटा एचसीजी लेवल लो है देन आपको घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। आप देखिए एक दिन बाद टेस्ट करके अगर वो डबल हो जाता है देन आपका प्रेगनेंसी आगे चल सकती है। तो गाइज अगर आज का ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।